दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप सब मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यू दो अपडेट के बारे में। ये अपडेट YT स्टूडियो के अंदर आया है, चलिए इस अपडेट के बारे में हम जान लेते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर सही कर दीजिएगा ताकि आपके पास ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच पाए। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ YT स्टूडियो जो हमारा होता है उसमें दो अपडेट आया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपडेट है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए इस अपडेट पे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। यहाँ पर आप लोग साइड में देखते होंगे कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को अपना YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर हम अपना YT स्टूडियो को ओपन करते हैं, YT स्टूडियो को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर YT स्टूडियो को ओपन करने के बाद आप लोग देखते होंगे कि पहले हमारा YT स्टूडियो ऐसे था, लेकिन ये जो अपडेट आने के बाद हमारा YT स्टूडियो इतना बेहतर हो चुका है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर हमारे YouTube चैनल का नाम सीधे यहाँ पर द ट्रेकिंग अजीत बड़ा सा लोगो सब्सक्राइबर टोटल सब्सक्राइबर यहाँ पर बता रहा है। चैनल एनालिटिक्स यहाँ पर आप लोग देखते होंगे लास्ट 28 देखा कितना यहाँ पर व्यू है, कितना यहाँ पर वॉच टाइम है, सब यहाँ पर बता रहा। उसके बाद यहाँ पर आप लेटेस्ट पब्लिश्ड कॉन्टैक्ट यहाँ पर आपने, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने जो न्यू वीडियो जो डाला है यहाँ पर वो बताएगा कि आपका न्यू वीडियो में कितना व्यू गया है, कितना कमेंट गया है और कितना लाइक हुआ है। उसके बाद जस्ट नीचे आप लोग देखेगा तो रैंकिंग व्यू इंप्रेशन क्लिक एवरेज ये सब यहाँ पर आप लोग का बता देगा कि आपका वीडियो जो है ना कितना रैंकिंग में चल रहा है, आपके वीडियो का व्यू कितना है, आपका कितना वॉच टाइम है, यहाँ पर टोटल चीज़ बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप नीचे करिएगा तो वहाँ पर नीचे करने के बाद आपका जो वीडियो रहेगा वो बताया जाएगा। लास्ट में पूरे नीचे आने के बाद आपका जो लेटेस्ट जो न्यू वीडियो डाले ना वो वाला वीडियो का कमेंट यहाँ पर बताएगा। पूरा कमेंट कर चेक करने के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये जो हो गया मेरा पहला अपडेट है, ये है YT स्टूडियो के अंदर। लेकिन सेकेंड अपडेट ये है कि पहले आप लोग देखते थे कि हमारा YT स्टूडियो कुछ ऐसा रहता था, सीधा रहता था, लेकिन इसमें जो है ना एक चीज़ ऐड किया गया है वो है मोनिटाइजेशन लेके। यहाँ पर मोनिटाइजेशन को यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर आप लोगों को लोगो आता होगा, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ग्रो विथ यूट्यूब हेलो द ट्रेकिंग अजीत हमारे चैनल के नाम से हेलो द ट्रेकिंग अजीत ग्रो विथ यूट्यूब जो यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर देखो यहाँ पर प्रोग्रामिंग बेनिफिट्स यहाँ पर बता दिया था, मोनिटाइजेशन क्रिएटर सपोर्ट टूल्स यहाँ पर ये तीनों चीज़ आप लोग का जो यहाँ पर आ रहा। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू ज्वाइन जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके चैनल का कितना सब्सक्राइबर है और कितना जो भर चुका है, कितना टाइम लगेगा अभी, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर पूरा चीज़ से बता दिया जाता है। जो हम लोग क्रोम पे जाके डेस्कटॉप साइड में देखते थे ना वो अब नहीं, यहाँ पर मोनिटाइजेशन के ऑप्शन में भी यहाँ पर सब कुछ दे दिया गया है। यानी हमें आप क्रोम पे जाके डेस्कटॉप साइड में नहीं जाना है, यहीं पर हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का पब्लिक वॉच टाइम कितना, आपका टोटल जो है रियली में वॉच टाइम कितना है आपका, वो जो वहाँ पर आप लोग 365 दिन का देखते हैं वो तो कुछ अलग रहता है। यानी मेरे कहने का मतलब वहाँ पर जो वॉच टाइम रहता है वहाँ पर पूरा जोड़ के बताता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लिया जो क्रोम पे जाके हमको पूरा वॉच टाइम जो हमारा चेक करना पड़ता था यहाँ पर पूरा चेक यहाँ पर आप लोग को बता दिएगा। उसके बाद आपके चैनल पर क्या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है या नहीं है ये भी यहाँ पर बता देगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका चैनल है या नहीं सो ही बता देगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का ये जो मिल चुका है, तो ये जो है हमारा न्यू जो है अपडेट था। तो ये अपडेट आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।